का चौथा दिन है और यहाँ पर हंगामे की स्थिति बन गई। आपको सीधे चलते वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह का हंगामा किया जा रहा है। धान खरीद के मुद्दे को लेकर भी यहाँ काफी ज्यादा बहस देखने को मिल रही है। अरे भाई ते बहुत बहुत ज्ञानियां तुम कौन घुमा सकते। अध्यक्ष जी पहला लाइन हर प्रश्न में किसान लक्कत का मिली पूछा थे नंबर एक रुक मैं वही बात आ और खरीदी करवे ते निकट का देवी अतकेज बात होते ना दोनों उत्तर दिए से माननीय मंत्री जी। मैं बता था ना पूरा सुन भी लेकिन हर किसान ला प्रति क्विंटल 2500 रुपया मिल ही
अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब आए हैं। आप इसी कारण की इतना समय माननीय मंत्री जी के जवाब आए हैं। शर्मा जी, हर बात इतना ही टाइम ले, इतना जरूरी होगा। ये विधानसभा तुरंत तो नहीं बनेगा बाबा, बैठ जा, तो तुझे जाना है, जा आप जाओ। जल्दी पूछ, रिकॉर्ड खराब हो देनी तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपको बात अच्छा सुनिया। मंत्री जी को जल्दी जवाब दे। माननीय मंत्री महोदय जी के जवाब आए, जल प्रबंधन संभाग बलौदा बाजार में 8 जल उपभोक्ता संस्थान कार्यरत रही से, जबकि मोर जानकारी के अनुसार 8 नहीं 15 संस्था कार्यरत है। ये संस्था मल्ला 2015 में समाप्त कर दे रही से, तबोले विभाग बीते 4 बच्चर ले 4 करोड़ रुपया ये मल्ला दे गए है। विभाग के अफसर इंजीनियर अपन दोस्त यार के नाम में, अपन रिश्तेदार के नाम में फर्जी संस्था बना के, अरे लंबा मत निकालना यार, टाइम दे, बता नहीं थोड़ा ज्यादा देर, लंबा मत करिएगा, प्रश्न पूछने का देगा। सिराग महोदय, सिराग बता दे, चार्टी संस्था बना के ये फर्जी बिल बना के पूरा विभाग ला चूना लगावा थे। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा था, जांच के मांग कर रहा था, का आप समिति बना के एक जांच करूँ का। अध्यक्ष जी, जिसका लंबा पूछे उसका लंबा उत्तर, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। कम कर भाई, मैं जांच के मांग कर रहा, बस छोड़ दे। अब सदन में अगर माननीय विधायक जी जांच के मांग कर रहे थे, जे स्तर पे तो जांच की भी ओखर जांच करा दिए जाए। नहीं नहीं, माननीय मंत्री महोदय, वो जो पैसा के फर्जी वाला हुए तेकर जांच के आश्वासन चाहते हो आप दे देते हैं, झूठी बात। या तो जांच के मांग कर या फर्जी वाला होए तेकर कार्रवाई की मांग कर, दोनों हाँ, कार्रवाई आप कार्रवाई के मांग के तय पहली के जांच, तो मैं जांच करवा दूँ। शैलेन पांडे, जांच करके कार्रवाई। शैलेन पांडे, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, शैलेन पांडे, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज छत्तीसगढ़ दिवस है, माननीय अध्यक्ष अभिवादन गुरुवार हवे, ओकर बर मैं माननीय मंत्री जी से ब्रह्म वाक सुना चाहता हूँ। ले जल्दी सुना। जब आप और माननीय मुख्यमंत्री जी बिलासपुर आए रहे और बिलासपुर के सब वर्ग के पीड़ा सुने रहे, जो अरपा नदी के बड़े हुए वहाँ ले पूछ ना भाई, 6 मिनट बाँचे, जल्दी पूछ, 6 मिनट बचा है तो अरपा नदिया में तौरे जान जा। और हमारे साथ मनोज सिंह बघेल रायपुर से जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ संपादक, उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह देख रहे हैं कि धान खरीदी का जो मुद्दा है उसको लेकर सदन में काफी हंगामा हुआ है, और इसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो 2500 रुपए धान का मूल्य उसको लगाने की मांग कर रहा है। लेकिन विपक्ष जो हम सत्ता की बात करें, जो कांग्रेस सरकार की बात करें, उनके जो मंत्री हैं वो लगातार स्पष्टीकरण दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हंगामा थम नहीं रहा है। हम ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मुख्य जो विषय है वो ये है कि सरकार ने चुनाव के पहले ये घोषणा, कांग्रेस ने ये घोषणा की थी कि उनकी सरकार बनने पर 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी होगी। पिछले साल इस रेट पर खरीदी हुई थी और किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उन धान की कीमत मिली थी। इस बार जो है एक समस्या ये आ गई सरकार के सामने कि 2500 रुपए कीमत पर धान खरीदने में जो सेंट्रल पूल में चावल लिया जाता है उसके लिए केंद्र सरकार ने इनकार किया है, और इस कारण से सरकार को 2500 रुपए में धान खरीदी में दिक्कत हो रही है। लेकिन चूंकि उन्होंने किसानों से वादा किया है, प्रदेश की जनता से वादा किया है कि वो 2500 रुपए में धान खरीदेंगे, इसलिए सरकार ने एक तरीका निकाला है। उसके तहत बात यह है कि अभी फिलहाल 1850 रुपए जो धान का समर्थन मूल्य है उस मूल्य पर खरीदी करने का निर्णय सरकार ने लिया है, और जो बाकी का अंतर है वो अंतर जो है कैबिनेट की एक सब समिति बनाई गई है और उसके द्वारा ये अध्ययन किया जाएगा कि किसानों को किस तरह से जो बाकी कीमत है धान का 2500 रुपए
वो कैसे दिया जाए, इसके लिए कैबिनेट की 5 सदस्यीय सब कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी बजट सत्र के दौरान अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर किसानों को बाकी की राशि दी जाएगी। तो आज सदन में इसी विषय पर हंगामा चल रहा है कि जो विपक्ष है बार बार सरकार से ये जानना चाह रहा है कि आप किस रेट पर धान की खरीदी करेंगे। इस पर सही सही जवाब सत्ता पक्ष क्यों नहीं आ रहा है, घुमा के कहा जा रहा है कि किसानों को 2500 रुपए मिलेगा, लेकिन इसी बात पर हंगामा भाजपा के सदस्य कर रहे हैं कि हम दर जानना चाहते हैं कि 1 दिसंबर से जो सरकार धान खरीदी करने जा रही है वो किस दर पर सरकार खरीदेगी। इसका सही सही टेक्निकल जवाब सत्ता पक्ष की ओर से नहीं आ रहा है। यही वजह है कि भाजपा के जो विधायक हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं और इसी क्रम में अभी उन्होंने सदन से वॉकआउट भी किया है। जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है। बहरहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बुढ़ा फिला देते हैं, देखते रहिए।